पूरे कराची में एक दुकान है इंडियन फूड की। ये है बड़ा पाव, ये जो है ये पाव भाजी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोहम्मद फराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं मौजूद हूँ एक बार फिर खारादर की फूड स्ट्रीट में। खारादर की फूड स्ट्रीट में इससे पहले मैं लावा पिज्ज़ा और बॉम्ब पिज्ज़ा वगैरह ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन आज जो चीज़ मैं ट्राई करने आया हूँ वो देसी लेकिन इंडियन चीज़ ज़्यादा है, पाकिस्तानी चीज़ कम है। मैं बात कर रहा हूँ पाव भाजी और वड़ा पाव वगैरह की। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, इतना पता है कि दोनों चीज़ें बन की होती हैं। पाव भाजी में पाव यानी बन होता है और मिक्स सब्ज़ी होती है, और वड़ा पाव में कुछ कबाब शबाब टाइप का कुछ होता है। तो चलें चल के देखते हैं, इनसे बात करते हैं और अब आएगा मज़ा। दुकान के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, अंकल का नाम तालिब अली है। अंकल, कब से दुकान शुरू की, आइडिया कैसे आया है कि इंडियन डिश पाकिस्तान में? ये इस दुकान को खोले हुए 2 साल हो गए। ठीक है। और हमारा एक बच्चा था, वो बाहर था दुबई में, अब वो जब यहाँ रिटर्न हुआ तो उसने वो वहाँ पे जहाँ रहता था वहाँ इंडियन सारे होटल थे, तो वो ये वड़े पाव खाया करता था। अब उसने बोला कि भाई मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मुझे सिखा दो ये पाव भाजी और बड़े पाव। उन्होंने कहा सीख ले, वो सिखा दिया। बोले मैं पाकिस्तान जाके बना के खा तो सकता हूँ ना, उसने यहाँ के बोले आप सबको ये खिला दो। उसने यहाँ के वड़ा पाव और पाव भाजी की दुकान खोल दी। बोले ये खोल दो, पूरे कराची में कहीं दुकान नहीं है, यही एक दुकान है। पूरे कराची में एक दुकान है इंडियन फूड की, वड़ा पाव और पारिया स्ट्रीट पे, पारिया स्ट्रीट पे पाव भाजी वड़ा पाव कि एक ही दुकान जो है वो यहाँ पारिया इस्टेट खारादर में। दूर दूर से लोग आते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, वो भी आके बेचारे देखते हैं, ट्राई के तौर पे खाते हैं, अच्छा भी लगता है। ये पाव भाजी एक सब्जी होती है और हमारी कौम ने सारी ज़िंदगी मुर्गे और गोश्त खाया है, तो किसी को अच्छी लगती है किसी को अच्छी नहीं लगती, समझे। लेकिन अभी तक जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि लोग खा रहे हैं, अच्छा अच्छा लग रहा है लोग। ये भाजी है, ये मिक्स सब्ज़ी है, 10 किस्म की मक्खन में बन जाती है, और पाव इस रोटी को कहते हैं। ये प्याज है, हरा धनिया है, वो ये पुदीने का चटनी है, और मक्खन है, ये स्पाइसी है, और वो जो है ना पाव का मसाला है जिससे हम पाव सीखते हैं। ऑयल है, उसमें पाव भाजी का मसाला ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड किया है, हरा धनिया ऐड किया है, इससे हम रोटी सीखते हैं, उसमें जायका आ जाता है। ये वड़ा पाव है, क्या हो रहा है ये जो है ना आलू का कबाब होता है, फिर इसको हम बेसन के आटे में डिप करके फ्राई करते हैं, और इसके साथ जो है ना अभी चूरा बन रहे हैं, उसका मसाले वाला चूरा होता है, इससे जायका इसका डिफरेंट हो जाता है, साथ में एक मसाले वाला मिर्ची देते हैं। तो ये पाव भाजी और वड़ा पाव हमारे सामने आ चुका है। ये है वड़ा पाव जिसमें बन है, और बन के बीच में इन्होंने वही जो चूरा जो उस बच्चे ने बताया था वो है, और ये कबाब टाइप का है, उसके साथ ये एक हरी मिर्ची आधी कटी हुई इन्होंने हरी मिर्ची दी है, उसके एक और है वैसे हरी मिर्ची अगर देखें तो 2 दिए, और उसके अलावा ये जो है ये पाव भाजी है जिसके साथ ये बन है, बन के ऊपर इन्होंने वो उसका जो चटनी टाइप का वो लगाया था, ये भाजी है और ये प्याज है, और बाकी ये सारी एक थाल बन के हमें दी हुई है। अभी मेरे साथ एक और यूट्यूबर मौजूद हैं, नासिर हारून। कैसे हैं फराज भाई आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए भाई, फराज भाई ने आज हमें बुलाया और मौका दिया साथ में कि साथ में कुछ फूड रिव्यू किया जाए, और इतनी ज़बरदस्त जगह ये लेकर आया। मैं काफ़ी दिन से मैं खुद सोच रहा था उसे खाने का, लेकिन आज फराज ने बुलाया तो फिर आज मिलकर रिव्यू देते हैं, क्यों कहते हैं फराज? पहले कौन ट्राई करेगा? चलें पहले साथ में ही करते हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि 2 चीज़ें हैं ना, एक आपने बन सही और दूसरा भाजी अलग से जो है भाजी, नहीं भाजी भाजी नॉट भाजी। फिर ट्राई करते हैं, पहले करते हैं पाव भाजी। ये है भाजी, बहुत अच्छा है। अच्छा, हमने ज़्यादातर बन के साथ कबाब ही खाएँ, बीफ खाएँ, दाल के खाएँ, अंडे वाले खाएँ और आलू वाले खाएँ, लेकिन मिक्स भाजी 10 सब्जियों की बनी हुई, ऊपर से मक्खन का तड़का लगा हुआ, पहली बार खाई है तो मुझे ये लग रहा था कि इंडियन फूड है, पाकिस्तान में शायद थोड़ा सा इसका हमारे टेस्ट के मुझसे मुताबिक नहीं हो, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि हम इसके साथ फैमिलियर हैं बिल्कुल। मैं बन ज़रा ट्राई कर लूँ क्योंकि बड़ा दिल चाह रहा था। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
मसाला लाइट है जो मेरे हिसाब से बेहतर है, और चटनियाँ जो उसकी जो स्पाइसी जो उसका एक महक थी और आ रही खुशबू आ रही ना ज़बरदस्त, उसके अंदर जो उन्होंने चूरा डाला है बेहतरीन किस्म का, देखने में ही इतना मज़ा आ रहा है तो सोचेंगे खाने में कितना मज़ा आएगा इसको। ज़बरदस्त है, ये है क्या था ये बन था उसका भाजी अलग चीज़ वड़ा पाव, ये है वड़ा पाव, ये वड़ा पाव, वड़ा पाव। ठीक है भाई, फराज भाई का रिव्यू आने वाला है, दिल थाम के बैठे हैं और आह एक्सप्रेशन भी उतरेंगे ये है। इसमें ये है कि नॉर्मल जो ये जो वड़ा पाव है ये है क्या, मेरे ख्याल से इन्होंने बेसन वगैरह में इसको तला है, हाँ, उसकी कबार को आलू वालू है आलू ऊपर इन्होंने वो रख दिया है, चूरा रख दिया है। तो मेरे ख्याल में पहले आप अच्छा वो पाव भाजी ट्राई कर लो। ये आई भाई भाजी और इसका जो बन है, हाँ हाँ भाजी भी ज़बरदस्त हो रही है, टमाटर का पेस्ट जो है या जो इसमें शामिल है वो चीज़ों का टेस्ट बाकायदा महसूस हो रहा है, और जो मक्खन में फ्राई किया हुआ था ना वो भी टेस्ट ज़बरदस्त आ रहा है, तो भाजी भी बहुत बेहतर है, बन भी नो डाउट ज़बरदस्त था। मुझे वैसे पाव भाजी से ज़्यादा अच्छी वड़ा पाव लगा है, क्योंकि वड़ा पाव एक जो हम बन कबाब खाते हैं थोड़ा बहुत उस टाइप का है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप कहीं दूर से ट्रैवल करके यहाँ पर आए, गुजरना हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। खैर ये है आज की वीडियो के लिए, नासिर हारून नासिर का चैनल है, नासिर हारून ब्लॉग्स है, हाँ नासिर हारून ब्लॉग्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। तो मैं खास फराज भाई के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हाँ, एक दफ़ा विजिट ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर भी फूड और ट्रैवल के हवाले से बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है फराज भाई, नासिर को भी जाके सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो कर सकते हैं कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।